हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है तुम सब क्या? आई होप जैसे भी हो बहुत सही हो। सो आज हम बात करने वाले अबाउट इंस्टाग्राम एंड हाउ इंस्टाग्राम इज एक्चुअली रूइनिंग दिस जनरेशन। सो तुम इंस्टाग्राम के साथ एक्चुअली इसमें यूट्यूब, मोज एंड जो भी सारी एप्स है टकाटक, उन सबको डाल सकते हो, ठीक है? तो यार तुमने ना नोटिस की होगी एक चीज़ कि जब से इंस्टाग्राम में इंस्टा रील्स का ऑप्शन आया है भाई, तब से इंस्टाग्राम कुछ इस टाइप की वीडियोज़ को कुछ ज़्यादा ही प्रमोट कर रहे हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले मैं बस इंस्टा रील्स स्वाइप कर रहा था और उसमें एक्चुअली मैंने देखा है कि ऐसे 13-14 साल के बच्चे अलग ही कंटेंट बना रहे हैं भाई। वो उनके लिए कंटेंट ही अलग है और वो उनकी गलती नहीं है, ये सब इंस्टाग्राम की गलती है। सो नाउडेज सभी को फेमस होना है भाई, किसको पसंद नहीं होगा कि उसके एक नॉर्मल सी पिक में 10,000 लाइक्स आ जाए। मतलब आई रिफ्यूज टू बिलीव कि यहाँ पे तुम में से किसी को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी कि भाई मेरे में 10,000 व्यूज आ गए, क्यों नहीं आने चाहिए थे। नहीं होता, राइट? सो सबको फेमस होना है और इंस्टाग्राम तुम्हारे इसी सपने को साकार करने के लिए लेकर आया है इंस्टा रील्स, जिसमें तुम बहुत कुछ कर सकते हो एक्चुअली, जिसमें तुम अपना टैलेंट शो कर सकते हो। तुम डांस कर सकते हो, तुम गाने गा सकते हो, तुम रैप कर सकते हो, तुम भाई अपना, अगर तुम एक्टिंग भी कर रहे हो, तुम लिपसिंक भी कर रहे हो तो तुम्हारी एक्टिंग है भाई, तो ठीक है भाई तुम्हारा टैलेंट है। अगर तुम लिपसिंक भी कर रहे हो वो तुम्हारा टैलेंट है, तो तुम एक्चुअली अपने टैलेंट से मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स कमा सकते हो। व्हाट ब्रो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मैन? एक मिनट, थोड़ा गलत कह दिया, फिर से। तो तुम एक्चुअली अपने टैलेंट से थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स कमा सकते हो। मिलियंस में जाने के लिए तुम्हें थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, टैलेंट से हटकर करना पड़ेगा। सो अभी ये बात को प्रूव करने के लिए मैं तुम्हें दो वीडियोज़ दिखाऊंगा और तुम्हें एक्चुअली वो पूरी वीडियोज़ देख के जज करना है कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है? कैद में महसूस कर रहे थे खुद को, अब तो सुकून होगा जिंदगी में। रियाय की रियायत मांग रहे थे मेरी बंदगी से, खैर खुश हो काफी है, मेरी तरफ से तुम्हें हर गलती की माफी है। सो ये जो बंदी है वो एक्टिंग करती है, एक्टिंग, या लेट्स जस्ट प्रिटेंड कि ये एक्टिंग करती है, और इसकी वीडियोस को आए हैं 1.1 मिलियन व्यूज। एक्चुअली इससे ज्यादा हो गए होंगे अब तक, तो मैंने 3 दिन पहले देखी थी, तो मिलियन प्लस व्यूज आए हैं इसको इस वीडियो के लिए। और इस बंदे को मैं एक्चुअली काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। ये बंदा स्क्रिप्ट खुद लिखता है, पोइट्री करता है, सिंगिंग करता है और एक्टिंग भी करता है, और इसको आया है भाई 2 लाख व्यूज। और इन दोनों के फॉलोअर्स ऑलमोस्ट सेम है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि दीदी के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है इस बंदे से कि भाई दीदी कुछ भी कर रहे तो उसे ज्यादा व्यूज आ रहे, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के फॉलोअर्स सेम है, दोनों ने एक वीडियो निकाली, कॉन्सेप्ट पूरा अलग था, तरीका पूरा अलग था, और व्यूज तुम खुद देख सकते हो किसको कितने आए हैं। सो आई गेस इस बात से ये चीज़ तो प्रूव हो गई होगी कि इंस्टाग्राम पे क्या चीज़ें ज़्यादा चलती है, राइट? तो अब हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। अब मुझे एक नॉर्मल सी बात बताओ, 13-14 साल के बच्चे जो कि ये इंस्टाग्राम पे ये सब देख रहे हैं और जिन्हें सोशल इन्फ्लुएंसर बनना है, जिन्हें अपना कॉन्टेंट क्रिएट करना है, विच पाथ विल दे गोना चूज? पहला ये वाला, जिसमें तुम्हें खुद से चीज़ें करनी है, हार्डवर्क करना है, तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा, तुम्हें हर चीज़ खुद से करनी पड़ेगी, और मुश्किल से तुम 3-4 दिन में एक वीडियो बना सकते हो, ये वाला। ये वाला तुम्हें कहीं नहीं जाना, घर पे रहना है, एक रिंग लाइट लेनी है, उसके सामने खड़ा हो जाना है, और दिन में तुम ऐसी 20 वीडियोज़ बना सकते हो, तो ये वाला। और हाँ, इसको आ रहे हैं 2 लाख व्यूज़, इसको आ रहे हैं 1 मिलियन व्यूज़, और ऐसे तुम 10 वीडियोज़ बना सकते हो एक दिन में, और ऐसे तुम 10 दिन में 2 वीडियोस बना सकते हो। एंड नॉट टू फॉरगेट, ये जो 13-14 साल के बच्चे हैं, इन्हें नहीं पता कि इनके लिए अच्छा क्या है, इनके फ्यूचर के लिए अच्छा क्या है। इन्हें जो दिख रहा है दूर से, इन्हें जो चमकती चीज़ दिख रही है ना दूर से, इन्हें ये सोना लग रही है, इन्हें लग रहा है कि हाँ भाई इसको 1 मिलियन प्लस व्यूज़ आया और इसे सिर्फ 2 लाख व्यूज़ आया है, तो क्यों हम इसे चूज़ करेंगे? हम तो इसे ही चूज़ करेंगे ना जिससे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, ऑब्वियसली भाई कोई भी यही करेगा, राइट? इन्हें नहीं पता भाई, क्योंकि इनकी गलती नहीं है, इनकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। अगर तुम इंस्टाग्राम पे जाओगे वहाँ 80% तुम्हें ऐसी ही चीज़ें देखने को मिलेगी, तो इनके लिए तो यही नॉर्मल है और इनके लिए यही कंटेंट होगा, आगे चलकर यही कंटेंट होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, जो लोगों को पसंद आता है वही कंटेंट होता है, जो लोगों को पसंद नहीं आता वो क्रिंज होता है। क्रिंज कंटेंट। इनफैक्ट लोगों को छोड़ो, इंस्टाग्राम इन्हें खुद प्रमोट कर रहा है, मतलब इंस्टेड ऑफ एज रिस्ट्रिक्टिंग देम, इंस्टाग्राम इन्हें ट्रेंड बना देता है। तुमने कभी देखा है, कभी नोटिस किया इंस्टाग्राम के ट्रेंड्स कैसे होते हैं? चलो हम देखते हैं इंस्टाग्राम के ट्रेंड्स होते कैसे हैं।
Put your head on my shoulder. Put your head on my shoulder. So देखो, as a YouTuber और Instagram पे भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई है, तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता सकता हूँ कि अगर तुम्हें फेमस होना है, अगर तुम्हें अपनी वीडियो चलानी है, तो तुम्हें ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो यूट्यूब का हो, चाहे वो हर जगह का सेम है भाई। अगर न्यूज़ में भी कुछ चीज़ चल रही है तो ट्रेंड है वो। अगर एक टाइम सुशांत सिंह राजपूत चल रहा था तो वो ट्रेंड था, न्यूज़ वाले कवर करते थे उसे। अब कोई करता है? नहीं करता। तो ट्रेंड होता है भाई, तुम सबको वो एक्चुअली फॉलो करना पड़ता है, तुम ना चाहो तो भी। और अगर इंस्टाग्राम इन सब चीज़ों को ट्रेंड बना रहा है, सामने वाले अगर नहीं भी चाहेंगे तब भी उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर तुम फेमस होना चाहते हो, अगर तुम एक्चुअली सोशल इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और कैसे देखेंगे? जब तुम ट्रेंड को फॉलो करोगे। बहुत रेयर होता है कि कोई ट्रेंड को ना फॉलो करते हुए भाई फेमस हो। और बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है कि तुम ट्रेंड को फॉलो करोगे और तुम्हें व्यूज़ आएंगे ही आएंगे। ये एक कड़वा सच है, बट है। और इंस्टाग्राम ऐसी चीज़ों को ट्रेंड बनाकर एक्चुअली में देखा जाए तो सीरियसली आने वाली जनरेशन को रियून कर रहा है, और कुछ नहीं। तो यार, मेरी वीडियो को कोई भी अगर छोटा बच्चा ये देख रहा है, तो मैं तुम्हें बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। और ट्रस्ट मी, इज्जत के 50 फॉलोअर्स उन 5000 फॉलोअर्स से बहुत अच्छे हैं, जो कि तुम्हें सिर्फ तुम्हारा जिस्म देखने के लिए तुम्हें फॉलो कर रहा है। यार, उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वो लोग जो तुम्हें तुम्हारे कॉन्टेंट के लिए फॉलो कर रहे हैं, ट्रस्ट मी। ओके, सो कुछ दिन पहले मेरे ही सब्सक्राइबर ने मुझे अपने चैनल की लिंक दी थी। तुम में से बहुत सारे लोग मुझे अपने चैनल की लिंक देते हैं, एंड तुम बहुत मेहनती हो यार। तुम करते रहो। अगर तुम व्लॉग्स बना रहे हो, तुम कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, करते रहो। रिस्पांस आज नहीं आ रहा, बट कल आएगा। कंटेंट अगर तुम अच्छा बनाओगे वो चलेगा ही चलेगा। तो तुम में से एक ने मुझे एक्चुअली अपने चैनल की लिंक भेजी थी, जो कि मैंने जब विजिट किया, मैंने देखा भाई तुम इतनी छोटी उम्र में इतना सब कंटेंट बना रहे हो, तुम डेली व्लॉग्स अपलोड कर रहे हो, तुम एडिट खुद कर रहे हो, तुम कंटेंट खुद क्रिएट कर रहे हो इतनी छोटी उम्र में। आई जस्ट वांट टू से कि भाई ये करते रहो, ठीक है। व्यूज़ आए ना आए वो अलग बात है, व्यूज़ आएंगे, वो धीरे धीरे आते ही हैं, वो आएंगे, ठीक है। जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड कीप डूइंग योर गुड वर्क। इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस ट्रेंडिंग शिट, यू आर एक्चुअली मेकिंग कॉन्टेंट जो कि भाई ट्रेंड से पूरा हटकर है। तुम डेली ब्लॉग्स बना रहे हो, एंड दैट इज़ एक्चुअली गुड। भाई मैं जितने भी मेरे को ये देख रहे हैं मेरी ये वीडियो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम जाओ इन्हें फॉलो करो, इनसे सपोर्ट करो। एंड यही तो चीज़ें हैं यार, अगर तुम एक दूसरे को सपोर्ट करोगे जो कि एक्चुअली गुड कॉन्टेंट बना रहे हैं, तो मे बी ये सब चीज़ें आना बंद हो जाएगी और ये सब चीज़ें ट्रेंड पे नहीं आएगी। अदरवाइज तो भाई यही सब चलता रहेगा। तो तुम में से भी अगर कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, कुछ बढ़िया सा बना रहा है, डेली व्लॉग्स है, जो भी है, तुम अपनी लिंक मेरे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। तो एक दूसरे को सपोर्ट करो, और क्या ही बोल सकता हूँ मैं, राइट। तो या आई होप कि तुम्हें वो चीज़ समझ आई होगी जो भी मैं समझाना चाहता हूँ। सो आई गेस आज के लिए बस इतना ही है। फिर मिलते हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, फिर से एक बात, इज्जत के 50 फॉलोअर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।